हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम सिंह और आपका स्वागत है पूनम्स किचन में। आज मैं सूखी सब्जी बनाने जा रही हूं, गोभी आलू और शिमला मिर्च की। ये देख रहे हैं आप लोग कि हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि यहां पे गोभी, शिमला मिर्च, हरी धनिया मिर्च काट लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे आलू है, टमाटर, लहसुन, प्याज सब काट के रख लिए हैं तड़के के लिए। और थोड़ा सा इसमें अदरक पीस लिए हैं, लहसुन, नमक सब पीस लिए हैं इसमें। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम तड़के के लिए को डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी के बाद जीरा डाल देंगे। जीरा के बाद लहसुन डाल देंगे। लहसुन के बाद प्याज डाल देंगे। प्याज के बाद मिर्च डालेंगे। अब तड़का होने तक हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। ज़्यादा तड़का न हुआ हो तभी डालना चाहिए ताकि आलू भी भुन जाए। आलू के बाद इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च के बाद गोभी डाल देंगे। गोभी के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। Thank you.
हल्दी के बाद हम इसमें पास्ता मसाला डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा लहसुन प्याज का जो पेस्ट है, अदरक का, उसको डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसको धीमी आंच में धीमा कर देंगे और 10 मिनट तक ऐसे भून देंगे, ढक देंगे इसको। इसके बाद हमारी सब्ज़ी जो है पककर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी सब्ज़ी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।